नॉर्मल खाने की वीडियो तो आप देखते ही रहते हो, लेकिन आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आप सभी को भारतीय पहलवानों की ताकत का असली राज दिखाने वाले हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं देसी ठंडाई को कैसे बनाया जाता है। तो पाजी इसको क्या बोलते हैं सबसे पहले? इसको हमारे हरियाणा में तो कुंडी बोलते हैं, कुंडी। इसको हम अपना भाषा है उसमें इसको सुनहरा बोलते हैं, सुनहरा। और इसको सलोतर बोलते हैं, सलोतर, सलोतर। इसे अच्छा, इससे आप इसे घोटेंगे, घोटेंगे, घोटने के लिए आप इसे लकड़ी का यूज। ये स्पेशल लकड़ी नीम की होती है, इसके फायदे लेने तो फायदे के लिए नीम की लकड़ी और लाल पत्थर बहुत जरूरी है, मेहनत। तो पाजी इसमें क्या क्या डालते हैं एक बार ये बता दीजिए। इसमें हमने डाली है खसखस, बादाम, काली मिर्च, हरी इलायची, सौंफ, काजू, खीरे के मगज, गुलाब के फूल की पत्तियाँ, ये 8-9 चीजें डाली है। उसके बाद टोटल चीजें तो 12-13 बन जाती हैं। तो ये सभी चीजें डाल के जो इसको 1-1.5 घंटा जो इसको रगड़ा लगता है, तो अब इसको घोटना स्टार्ट करते हैं। जी जी जी, ये देखिए लाल पत्थर और साथ में नीम की लकड़ी से घोटा जाएगा। तो कितना समय लगता है इसमें घोटने में? इसको कम से कम मैक्सिमम 1 घंटा तो चाहिए। 1 घंटा? जी, ऐसे लगातार मैं 1 घंटा करता ही रहूँगा। ये देखिए जी, ये कढ़ाई किस तरीके तैयार होती है आप देख सकते हो, और कितनी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। 1 घंटा लगातार ये इसी तरीके से अपने हाथों को चलाते रहेंगे। सलोतर बोल, सलोतर नहीं, जो हम ये बना रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? शरदाई बोल देते हैं हमारी भाषा में, हिंदी में लोग ठंडाई बोलते हैं। ठंडाई हमारे हरियाणा में ठंडाई बोलते हैं, तो इसको हम शरदाई बोलते हैं। ठीक है जी। देखिए कपड़े को इसको उसका जो अर्क है, जो उसका असर है, कपड़े में डाल के पहले ऐसे को ऐसे ऐसे दबाते जाना है, दबाते जाओगे तो ये सारे उसमें मिल जाएगा, जो इसकी जान है वो सारी पानी के अंदर आ जाएगी, आ जाएगी। देखो पानी पानी वाइट होता है, तो वाइट से जैसे इसका सारा अर्क है, जैसे इसका कलर आप देख ही रहे हो, दूध जैसा, दूध जैसा हो जाता है ये इस तरीके से। तो पाजी अगर ये ठंडाई सरदाई पीनी है तो हमें कहाँ पे आना पड़ेगा? देखो अमृतसर से, अमृतसर आओगे, अमृतसर वो माल रोड पड़ता है, और इसकी जो गूगल पे लोकेशन भरोगे कंपनी बाग माल रोड, तो जो किसी से भी पूछना है तो पूछो माल रोड के, माल रोड में जाना है और फॉरेस्ट चौक से जो कचहरी साइड जाएंगे और ठंडी खुई के सामने जो गेट है कंपनी बाग का, उसके अंदर एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने के बाद लेफ्ट होंगे, लेफ्ट वेरका बूथ है, तो वेरका बूथ के साथ ही पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे हमारा खुला पड़ा लगा हुआ है। शक्कर मिक्स करने के बाद आपने डाल दिए इसमें ये छलने के लिए, जिन्हें मुँह का मुझे मुँह बना है मैंने, मुझे मर्यादा है हमारी गुरुद्वारे की मर्यादा है, तो ये नहीं कि मैं दुकान कर रहा हूँ तो दुकान के हिसाब से काम कर रहा हूँ, मैं
दुकान का काम भी कर रहा हूँ, संगत का पैसा अपना घर चलाने के लिए 2-4 रुपए भी लेता हूँ, और वो जो काम है मैं मर्यादा में करता हूँ, जो गुरुद्वारे की मर्यादा है उसमें रहता हूँ। घर का दूध दो दिन का भाई।